विधायक पर रंगदारी का आरोप का मामला सामने आया है। बता दे चले कि उधम सिंह नगर के सितारगंज कोतवाली में पूर्व विधायक नारायण पाल और जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य पर मिट्टी खनन कारोबारी ने 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कारोबारी की ओर से दी गई तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ रंगदारी मांगने को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। MR इंटरप्राइजेज के स्वामी मोहम्मद रियाज ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाते हुए कहा कि उसके द्वारा बीते 18 दिसंबर 2020 को शक्ति फार्म स्थित निर्मल नगर के पास बैगुल नदी में की ट्रेनिंग का काम लिया गया था, जिसका SDM मुक्ता मिश्र ने 20 जनवरी 2021 को नदी से चुगान कर वाहनों से मिट्टी ले जाने के लिए रास्ता दिया था। आरोप है कि मौके पर ग्रामीणों द्वारा किसी भी तरह का विरोध न किए जाने के बावजूद पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य ने अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया और वहां काम कर रहे लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। तहरीर में रियाज ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक व जिला पंचायत सदस्य ने उससे 3 लाख रुपए की मांग की है, जिसका विरोध किए जाने पर उसे डराया और धमकाया जाने लगा। पीड़ित ने काम बंद हो जाने की वजह से आर्थिक नुकसान होने के साथ ही अपनी जान माल पर खतरा होने की बात कही है। उधम सिंह नगर के ASP देवेंद्र पिंचा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली में क्या है पूरा मामला? देखिए, ये एक रियाज अहमद नाम के व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि कुछ जमीन में पट्टे वट्टे के मामले को लेके, कुछ खनन के मामले को लेके, कुछ रंगदारी वसूलने की कथित शिकायत कुछ नेताओं पे, कुछ व्यक्तियों पे लगाई गई थी। इस आधार पे उन्होंने जो एफ आई आर दी गई उस आधार पर FIR पंजीकृत कर ली गई है। फिलहाल उसमें मामले को गहराई से छानबीन के लिए बता दिया गया है, उसमें विवेचना गहराई के साथ की जा रही है तथा जो तथ्य होंगे, जो सच्चाई होगी, उस आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे।